पार्लर जाके महंगा फेशियल कराने से अच्छा है आप ये होममेड एलोवेरा फेशियल करके देखो। ये आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देगा, साथ ही अनइवन स्किन टोन को ठीक करेगा। ये पार्लर में होने वाले फेशियल से 10 गुना ज्यादा अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फेशियल को करना। फेशियल का पहला स्टेप है क्लेंजर। तो क्लेंजर के लिए आप ऐड करें आधा चम्मच एलोवेरा जेल और फिर उसमें ऐड करें आधा चम्मच हनी शहद। और बस इसको कर लीजिए अच्छे से मिक्स। और मिक्स करते ही जो आपका क्लेंजर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमारा क्लेंजर बन चुका है, इसे आप पूरे फेस और नेक पर अच्छे से अप्लाई कर लें। और अप्लाई करने के बाद में इससे केवल आपको 2 से 3 मिनट तक अपने फेस पर मसाज करनी है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके फेस पर जो फेस वॉश के बाद में डर्ट या डस्ट रह गई होगी वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी और अगले स्टेप्स के लिए तैयार हो जाएगी आपकी स्किन। तो हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है स्क्रब। और स्क्रब के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आधा चम्मच एलोवेरा जेल और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी आधा चम्मच शहद और फिर मैं इसमें डालूंगी मसूर दाल पाउडर यानी रेड लेंटिल पाउडर। ये मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया है और इसे कर लूंगी मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स। और इसे मिक्स करते ही जो हमारा स्क्रब है वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमारा जो स्क्रब है वो हो गया है बनकर तैयार। आप इसे पूरे नेक पर फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लें और अप्लाई करके अच्छे से स्क्रब करना स्टार्ट करें 2 से 3 मिनट के लिए। स्क्रब करने से हमारे जो ब्लैक हेड्स हैं व्हाइट हेड्स हैं वो रिमूव होंगे, हमारे पोर्स में जो डस्ट है डर्ट है गंदगी है वो रिमूव होगी और हमारा जो फेस है काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लगेगा स्क्रब करने के बाद ही। तो इसके बाद में जो हमारा थर्ड स्टेप होता है वो होता है मसाज जेल। तो मसाज जेल के लिए आपको लेनी है 1 चम्मच एलोवेरा जेल और फिर आपको लेना है इसमें हनी 1 चम्मच और फिर इसमें ऐड करें 2 विटामिन ई कैप्सूल्स का ऑयल। आप चाहो तो इसमें आधा चम्मच ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हो। और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी आधा चम्मच दूध, यहाँ पर मैंने ठंडा दूध लिया है। अब इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स और मिक्स करते ही जो हमारी मसाज जेल है वो भी बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमारी जो जेल है वो हो गई है तैयार। तो आप इसे सबसे पहले फेस पर और नेक पर अच्छे से अप्लाई कर लें और फिर इसके बाद में मसाज करना स्टार्ट करें। पूरे 10 से 15 मिनट तक आपको मसाज करनी है हल्के हाथ से। इसको करने के बाद ही आप देखेंगे कि ये जो फेशियल है ना सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 10 से 15 मिनट के बाद में आप अपने फेस को वॉश कर लें। और जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है मास्क। तो मास्क के लिए मैंने यहाँ पर ली है आधा चम्मच मसूर दाल का पाउडर, फिर मैंने लिया है आधा चम्मच बेसन, फिर मैंने इसमें ऐड किया है आधा चम्मच हनी शहद, फिर मैंने ऐड किए हैं 2 विटामिन ई कैप्सूल्स का ऑयल और फिर मैंने ऐड किया है आधा चम्मच एलोवेरा जेल। और अब हम कर लेंगे इन सबको अच्छे से मिक्स। और मिक्स करते ही जो हमारा लास्ट स्टेप है यानी मास्क वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये थिक लगे तो आप इसमें ऐड कर दीजिए थोड़ा सा दूध। मेरे को ये थिक लगा तो मैंने 1/4 चम्मच इसमें दूध ऐड कर दिया था। तो बस हमारा जो मास्क है वो भी हो गया है बनकर तैयार। आप इसे किसी ब्रश या फिर फिंगर टिप्स के हेल्प से पूरे फेस और नेक पर लगा लीजिए और 15 से 20 मिनट के बाद में आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। अभी तक मैंने बहुत सारे होममेड फेशियल आपके साथ शेयर किए हैं लेकिन सच में मुझे सबसे ज़्यादा जो फेशियल पसंद आया है वो ये एलोवेरा और हनी फेशियल है। ये सच में इतना ज़्यादा पसंद आया मुझे, इसने एक ही बार में मेरे फेस को काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग बना दिया और मेरे फेस पे अगर थोड़ी बहुत टैनिंग भी थी वो भी चली गई है। आप भी ट्राई करके देखो इस फेशियल को, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपको भी पसंद आने वाला है, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।